अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे और खैर आफियत होंगे। अच्छा, जितने भी नए कैंडली मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। और भाई, आज हम आपके लिए लाए हैं बहुत ही ज़बरदस्त और मज़े की रेसिपी, जो कि आज हम खुद खाने वाले थे। यहाँ पे गाँव में विलेज टाइप है, तो यहाँ पर ये नहीं मिलते, तो हमने सोचा कि भाई खुद ही बना के खा लेते हैं। तो इसलिए हम लोगों ने अपने गाँव का रुख किया और यहाँ पर जो ना, असल में ये कि थोड़ा खुला माहौल मिल जाता है और सुकून से हम लोग बना सकते हैं। तो सबसे पहले शुरू करते हैं, फिर आपको बताते हैं क्या क्या बन रहा है, एंड में आप देखेंगे क्या बन रहा है। तो अभी सबसे पहले हमारे पास प्याज हैं, फिर क्या बोलते हैं ग्रीन चिल्ली है, टमाटर है, गार्लिक है, अदरक है, ऑयल है, नमक है, मिर्ची है, और इस तरफ आएँ तो हमारे पास भाई मैदा है, ठीक है। अच्छा, दूध भी है, दही भी है, और ये मसाले भी हैं और अंडे भी हैं, तो ये सब कुछ है, और ये चिकन भी है। तो ये इन सब चीज़ों से बनने वाला है स्पेशल चिकन सैंडविच हम बनाएंगे, जो कि आप देखोगे तो आपके मुंह में पानी और आप बोलेंगे भाई हम भी खाएं, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तो इसको बनाते हैं, फिर आपको मैं दिखाता हूँ, बताता हूँ क्या क्या करना है सबसे पहले। तो भाई सबसे पहले हम लोग जो ना अपने प्याज काट लेते हैं। तो भाई यहाँ पर जो ना हम लोगों ने सबसे पहले चिकन वगैरह सब कुछ काट लिया है, और जो ना बहुत टाइम लग गया हमें। यहाँ पर हमने ग्रीन चिल्ली, टमाटर, प्याज ये सब कुछ काट लिए, और जो ना ये बोलते हैं भाई क्या बोलते हैं गार्लिक, और जो ना अदरक को भी छील लिया। अभी इसको हम लोग कूट के पीसते हैं, और हालत ये देखें हमारे क्या हो गया यहाँ पे ना, जो शायद इन ज़मीनों में पानी दिया हुआ है, तो उसका क्या बोलते भाई हबस हो गई यहाँ पे बहुत सारी, तो खैर सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है। तो खैर हम लोग अपना ये चिकन सैंडविच बनाते हैं, और मैं आपको दिखाता हूँ कभी कैसे बनते हैं। ये सब कुछ हो गया, अभी देखें गाइस हमने क्या करना है। तो अभी सबसे पहले हम इसके अंदर दो एग डाल देते हैं, एक, और ये हो गया दो, ठीक है जी, दो एग हो गए हमारे। और भाई चम्मच हो गया, अब इसको ना थोड़ा सा फेंट लेते हैं। और भी अभी इसके अंदर हम लोग ऐड करेंगे दूध, दूध हम लोग थैली में ही लेके आए थे रास्ते में, तो ऐसे ही था, तो खैर इसको भी इसके अंदर ऐड कर देते हैं। ये तकरीबन एक पाव से थोड़ा सा कम है, और अभी इसको भी जो ना आराम आराम से ना हम लोग मिक्स कर लेते हैं। वही तो इसको मिक्स करें। अभी भाई जो ना इसके अंदर हम लोग डालेंगे मैदा, जो कि आधा किलो है, आधे किलो से कम है वैसे थोड़ा सा, हम इसके अंदर पूरा नहीं डालेंगे। इसके अंदर हम लोगों ने ऐड किया है एक पाव मैदा, तो अभी इसको मैदे को भी मिक्स कर लेते हैं इसके अंदर ऐसे से करके ना। और इसके अंदर ना हाफ टी स्पून, हाफ से भी कम जो ना हम लोग थोड़ा सा नमक डाल देते हैं बस। इसके अंदर थोड़ा सा जो ना हम लोग ऑयल भी ऐड कर लेते हैं, ये हमारा इतना ऑयल भी ऐड हो गया इसके अंदर। तो अभी इसको अच्छी तरह मिक्स करने के बाद अभी इसके अंदर हम लोग डालेंगे थोड़े से टमाटर, ये भी हमारे थोड़े से इसके अंदर टमाटर चले गए, थोड़े से इसके अंदर प्याज चले गए, थोड़ी सी इसके अंदर ग्रीन चिल्ली चली जाएगी, ये चीज। अभी फिर से हम इसको थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे। तो अभी इसके अंदर थोड़े से हम लोग ना ब्लैक पेपर भी ऐड कर लेते हैं। तो अभी ये अभी हमारा रेडी हो चुका है, और जब तक हम लोग चिकन को रेडी कर लेते हैं। तो अभी हम लोग जो ना अपना थूम और जो ना अदरक का पेस्ट बना लेते हैं। थोड़ा सा हमें चाहिए एक और डंडी थी का। अभी इसको ना हम लोग चम्मच, अभी गैस हमारा जना ऑन हो गया, अभी हम इसके ऊपर ऑयल डालते हैं और फिर अपने पहले सबसे पहले चिकन बनाते हैं सैंडविच के लिए। तो इतना चिकन हमारे लिए, अभी ऑयल को गर्म होने देते हैं, पहले ऑयल गर्म हो जाए फिर प्याज वगैरह डालते हैं हम लोग। तो अभी इसके अंदर हम लोग प्याज डालते हैं, साथ और भी अभी जब तक हम लोग ने इनको पहले ब्राउन कर लें सबसे पहले। तो अभी हमारे प्याज जो ना हल्के हल्के ब्राउन हो गए, तो हमें जो ना वो सालन तो नहीं बनाना, हमें जो ना चिकन सैंडविच के लिए तैयार करना, तो हमें ऐसे ऐसे चाहिए होंगे जैसे अभी ये हैं। तो अभी इसके अंदर ना हम लोग थोड़े से ना ये टमाटर डाल देते हैं, और
तो भी मसाला हमारा ऑलमोस्ट बनने लग गया, तो अभी इसके अंदर हम लोग चिकन डाल देंगे। तो अभी इसके अंदर हम लोगों ने थोड़ा सा पानी डाल दिया था ताकि ये जल्दी पक जाए। तो जब तक अभी इसके अंदर हम लोग इसके अंदर अभी मसाले ऐड करते हैं। सबसे पहले हम लोग नमक डालते हैं इसके अंदर। धड़ा धड़ा मिर्ची जो होती है, ये वो वाली है कूटी हुई जो होती है, तो ये डाल देते हैं। और भी अभी इसके अंदर हम लोग डालते हैं कढ़ाई मसाला जो कि हमारा फेवरेट है। तकरीबन इतना डाल दीजिएगा, बहुत ही मज़े का होता है ये। और भी इसके थोड़ी सी हम लोग ब्लैक पेपर ऐड कर देते हैं। तो भाई यहाँ पर आज हम लोग आए थे फूड व्लॉग बनाने के लिए, और आज यहाँ पर जो ना मगरिब भी हो गई है और बैठा हूँ पसीने की वजह से, तो यहाँ पे गर्मी कुछ इतनी हो गई है। लेकिन अभी हमने बोला भाई वीडियो के लिए आए थे तो बना के चलते हैं, वैसे दिल बहुत कर रहा है कि छोड़ के भाग जाएँ भैया, जो हालत है यहाँ पर। और पंखा भी लाना भूल गया, हवा देखो, हवा का नाम निशान ही है यहाँ पर। तो बस अभी जो भी है अच्छा है, और टाइम भी बहुत हो गया, अभी हमें बहुत कुछ करना है, तकरीबन ये आधा घंटा और लग जाएगा। तो अभी क्या करते हैं भाई, बना के जाएंगे, फूड व्लॉगर हैं हम लोग असली। तो भाई जब तक जो ना हमारा चिकन बनता है, चिकन दूसरा लड़का वहाँ पर चम्मच मार रहा है, और मैं जो ना जब तक अपनी पुदीने वाली चटनी बना लेता हूँ, और चटनी से पहले हमारी खुद की चटनी बन गई। इतनी गर्मी है ना यहाँ पर, दिल तो कर रहा है कि व्लॉग छोड़ के भाग गया, लेकिन अभी आ गए, खाना भी है और व्लॉग भी बनाना है, तो खैर दोनों काम आज करके ही जाएंगे जो भी हो जाए, टाइम भी बहुत ज़्यादा हो गया। तो सबसे पहले हमने पुदीने की जो है पत्तियाँ तोड़ ली हैं, ये इसके अंदर हम लोग डालते हैं, ये जो हम पुदीने की चटनी बनाने जा रहे हैं उसके लिए। और थोड़ी सी ना इसके अंदर हम लोग ग्रीन चिली डाल देते हैं ये जो, और इसके अंदर ना पहले से ना हल्का सा क्या बोलते हैं थूम जो है ना, गार्लिक जो है वो इसके अंदर थोड़ा सा है, तो उसका भी टेस्ट आ जाएगा इसके अंदर। और अब जो ना हम पहले सबसे पहले इसको कूट लेते हैं, देखा चल। तो भाई क्या बोलते हैं भाई, हमने कूट वूट सब कुछ लिए, मतलब मिर्ची और पुदीना जो था सब कुछ कूट पीस लिया उसको, और अभी इसके अंदर हम लोग ऐड करेंगे दही। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ऐसे से करके ना हिला के इसको मिक्स कर लेते हैं हम लोग इसी के अंदर ही, क्योंकि बर्तन हम लोग को ज़्यादा लाए नहीं है, तो इसी से ही गुजारा करना। तो भाई बाकी नमक डालना भूल गए थे, वो नमक भी अभी इसके अंदर ऐड करना। तो रेडी होने वाला, अभी एंड में हम इसके अंदर ये डालते हैं और इसका पानी जो ना सुखाते हैं, मतलब जिंजर और जो ना गार्लिक का पेस्ट था जो हम इसके अंदर ऐड करके ना अब इसको सुखा लेते हैं पानी को। चिकन हमारा ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है, और बस हम लोग पानी सुखा रहे हैं, जैसे सूखेगा उसके बाद ये रेडी हो जाएगा। तो अभी चिकन हमारा ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है, तो अभी हम इसको निकालते हैं और जो ना इसके अंदर हम पराठा बनाते हैं अपना। अभी इसको ना हम लोग प्लेट में निकाल लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये हमारा चिकन है जो पराठे के अंदर जाएगा, रोल पराठे के अंदर। तो अभी आटे को हमने आधे 15-20 मिनट तो हो गए इसको छोड़ दिया था, अभी जो ना ये बिल्कुल रेडी होगा, और कोयल भी बोल रही है और हमारी हालत देखें। अभी इसके अंदर हम थोड़ा सा ऑयल डालते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, पूरे ना इसके ऊपर फैला लेते हैं ऐसे ऐसे करके, ताकि हमारा पराठा ना किस जगह पे लगे नहीं। तो अभी हम लोग इसके अंदर जो ना वो जो आटा बनाया था उसका पेस्ट इसके अंदर डालते हैं। बिस्मिल्लाह। तो भाई इसको ना हमें इसके ऊपर ना ऐसे फैला लेते हैं, और अभी इसको पकने के लिए छोड़ देते हैं। तो भी इसकी एक साइड ऑलमोस्ट पकने वाली है, और दूसरी साइड को हम जैसे ही पकाते हैं फिर आपको देखते हैं। तो भी इसकी एक साइड पक चुकी है, अभी दूसरी साइड को हम पलटी करते हैं इसको। वे वे वे, पराठा हमारा बन चुका है, अभी इसको इसके ऊपर ना इसके अंदर ऐसे निकलता है। देखो हमारा ये बाबू भाई का स्टाइल है, देखते निकलता है कि नहीं निकलता है। ओह वाओ, लुक एट दिस गाइस, ये जो है ना बाबू भाई का तरीका काम कर गया आज। ये रहा हमारा पराठा, और इसके ऊपर अभी हम लोग लगाते हैं पुदीने और मिर्च, ग्रीन चिली वाली जो ना चटनी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और इसके अंदर वैसे भी सब चीज़ें ऐड हैं, ये भी आप याद रखिएगा। तो चटनी हमारी आ गई भाई, सही है। अभी इसके ऊपर हम लोग डालते हैं प्याज, इधर हम लोग ऐड करते हैं प्याज। ये आ गया हमारा प्याज, ठीक हो गया। और अभी जो ना इसके अंदर ऐड करते हैं हम लोग चिकन, जो हमने चिकन बनाई थी। और अब एक बार फिर से इसके ऊपर हम लोग अपनी चटनी डालेंगे। करीब से दिखा बेटा, ये ऐसे करके। वे वे वे,
और अब इसको बनाएंगे। हमारा रोल बन चुका है और अभी मैं इसको खाऊंगा, ठीक है। तो बस मैं जैसे खाऊंगा उसको आप छोड़ दीजिए, हमारी हालत देख लें कि हालत ये हो चुकी है। तो हम लोग खैर अपनी अभी पार्टी वार्टी करते रहेंगे। तो ये इस तरह से चिकन रोल हम लोग बनाने जा रहे थे, तो बहुत ही मज़े का बनते हैं, पहले ही बनाते रहे हैं। तो वीडियो अच्छी लगे तो भी लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और देखें हमारी हालत क्या होगी। लाइक जरूर कीजिएगा इस हालत पे, देखें पसीना पसीना हो गया हम लोग सब कुछ, और साथ में कोई हम लोग बटर पेपर लाना भी भूल गए। तो खैर ये हम बाद में खाते हैं, आप जब तक चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए